सबसे पहले मनचाहा न्यूज़ देखने वाले चार दर्शकों को बार बार एक से बढ़ के एक गाने आ रहे हैं, कुछ रिलीज भी हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से। एक गौरा जी, 26 तारीख को मेरा जन्मदिन है जी जी, तो उस दिन एक आदि शक्ति से रिलीज हो रहा है। आदि शक्ति किसके लिए करता है, हम सभी जीते हैं तो दर्शकों के लिए जीते हैं। जो चले उसी को चलाना चाहिए, जो दर्शक पसंद करे तो आह आह चल रहा था, तो मैंने भी आह आह मैंने गाजा या भांग के कोरे में पिया कौड़ी, सावन में बेच दिया सोना के सपोर्ट रहता है। कोई भी इंसान हो, बहुत कम ही लोग होंगे जिनको परिवार बिना परिवार के सपोर्ट। मैं आपके साथ एनके सिंह चौहान, आज हमारे साथ विशेष अतिथि के तौर पे अरविंद अकेला और कलू जी हैं, जिन्होंने बैक टू बैक बेहतरीन गाने दिए हैं और सभी गाने यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल है। चलिए जानते हैं कि कैसे इतना एनर्जी आती है और सावन और साथ ही पूरे साल कौन कौन से प्रोजेक्ट लेकर अपने दर्शकों के बीच आ रहे हैं। तो चलिए अपने मेहमान का स्वागत करते हैं। भैया आपका स्वागत है, और हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए कैसे इतना एनर्जी लाते हैं आप। सबसे पहले मनचाहा न्यूज़ देखने वाले चार दर्शकों को बार बार प्रणाम करता हूं और सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा बस हम सभी पे बनी रहे, स्वस्थ रहें सभी लोग। आज के समय में आज का माहौल ऐसा है कि लोगों को रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, तो केवल अपने स्वास्थ्य के लिए, मतलब हम स्वस्थ रहें, यही सब लोग कामना करते हैं। तो हम भी यही कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि जो हुआ उससे तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन अब आगे ऐसा कुछ भी ना हो जिससे सभी लोग परेशान हो। और रही बात सावन में, हमारे एक से बढ़ के एक गाने आ रहे हैं, कुछ रिलीज भी हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से। ये गौरा जी रिलीज हुआ है जी जी, अपने आदिशक्ति फिल्म से, चूड़ी हरिहर का ले हेरे संवर का, जो कि बहुत प्यार दे रहे दर्शक महादेव वो खुश रहे। इसके बाद मेरे किरण म्यूजिक इंटरटेनमेंट से रिलीज हुआ है आज ही के दिन, तो निशिखा माता पार्वती से, एस आर के से भाभी जी कांवर सरिया लीजिए। और 26 तारीख को मेरा जन्मदिन है जी जी, तो उस दिन एक आदिशक्ति से रिलीज हो रहा है, आदिशक्ति फिल्म से, जिस गाने का नाम ही है बाबा। तो बाबा और एक भक्त की कहानी है और काफ़ी आप लोग को मज़ा आएगा वो देखने में। भैया हमने देखा है कि आपने बचपन से शुरुआत की थी और अभी तक इतनी एनर्जी, इतनी पावर, बैक टू बैक अच्छे गाने, एक कहाँ से इतनी शक्ति मिलती है, कितने लोग आपको सपोर्ट करते हैं, और फिर एक जुनून होता है भोजपुरी इंडस्ट्रीज के प्रति, कैसे आता है सब कुछ। देखिए कोई भी चीज़ आदमी करता है जिसके लिए करता है, हम सभी जीते हैं तो दर्शकों के लिए जीते हैं। जो पब्लिक के लिए काम करता है वो पब्लिक का हो जाता है, तो हम दर्शकों के लिए जीते हैं। दर्शक इतना प्यार करते हैं, उनकी प्यार में इतनी ताकत है कि अभी ये तो बहुत कम हम लोग कर रहे हैं। हम जो करते हैं, दर्शक जितना प्यार करते हैं तो बहुत कम है, लेकिन ये तो दर्शकों का प्यार है कि इतना भरपूर आशीर्वाद देते हैं। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो भी हम लोग सॉन्ग या जो भी हम लोग फिल्म लेके आते हैं, आप लोग इतना प्यार देते हैं, और आजीवन ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो जब तक कि शरीर में सांस रहेगी तब तक कोशिश करेंगे कि हम अपने दर्शकों को मनोरंजन करते रहें। भैया हाल ही में अभी 2-3 दिन पहले की बात करें तो जिस तरह से नेनुआ सॉन्ग ने धमाल मचा कर रखा है, हर किसी के जुबान पर जहाँ भी जाऊँ, अभी मैं 2-3 दिन शूटिंग सेट पर गया था तो वहाँ भी लोग नेनुआ का ज़रूर जिक्र कर रहे थे। भैया उसका कॉन्सेप्ट और कैसे समझ आया था कि ये गाना लोगों के लिए लाना चाहिए। वो एक यादव राज जी राइटर हैं, जो कि बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने नहीं गीत लिखा था कि इतना लड़का रख ला के मतलब काय बेबी डॉल है, तहर दिल है कि बॉयज हॉस्टल है। तो उसमें एक हम लोग कोई भी गाने में दर्शक को जो भी हम लोग गाना भेजते हैं तो गुदगुदाने के लिए, हंसाने के लिए रखते हैं, तो एक कॉमेडी पार्ट था जिसको जो डायरेक्टर है रवि पंडित जी, वो खुद उन्होंने एक्ट किया था। तो वो जब आए तो वो उनका आवाज़ है, जैसे हमारे होली में भी उन्होंने एक्ट किया था तो तोतला आवाज़ में बोलते थे, और बार बार मैं उनको थप्पड़ मारता हूँ, वो रंगवाना ही नहीं था तो बुलाई कहला वो उसमें था। तो वहीं हम लोग कॉन्सेप्ट को ये किए, और जो चले उसी को चलाना चाहिए, जो दर्शक पसंद करे तो आह आह चल रहा था, तो मैंने भी आह आह मैंने नेनुआ लगा दिया और क्या। भैया मैं अपने दर्शकों के लिए, अभी 2-3 दिन पहले मुझे एक सिंगर ही थे, उन्होंने बोला कि जब भी आप जाएं तो एक सिंगर से ज़रूर सवाल करें कि कभी कभी शूटिंग सेट पे बहुत सारी परेशानियां भी होती है, बहुत लोग कहते हैं कि तुम नचनिया गवनिया क्यों बनना चाहते हो, ये सब बनना चाहते हो। भैया आपने जितना सफ़र तय किया है आप सक्सेसफुल के एक लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं, आप क्या कहना चाहते हो ऐसे लोगों को। पहले ऐसा था, अब तो नहीं, अब तो लोग शौक़ से सिंगिंग करते हैं, शौक़ से डांस करते हैं, और जो भी बच्चे आजकल डांस करते हैं, आजकल ऐसे ऐसे ऐप आ गया है, चाहे वो इंस्टा रील्स हो या जोश हो या एक से बढ़ के एक ऐप है जिस पे आप अपना कला को दिखा सकते हैं। हाँ पहले ये ज़रूर था, जो किसी को पहचान नहीं मिल पाती थी और वो स्ट्रगल करता था
खुद मेरे को ही देख लीजिए, मेरे को भी कई लोगों ने ताना कसा था, लेकिन बोलते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, हम लोगों ने मेहनत किया और आज दर्शक का प्यार मिला। और आज के समय में जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, क्या है, बच्चे को जो चीज़ में इंटरेस्ट हो उसी में उसको आगे ले जाना चाहिए। अब बच्चे को इसमें मन है, डांस करने का मन है, सिंगिंग मन में आ, और आप उसे ज़बरदस्ती पढ़ाइए तो वो लड़का कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं होता है। तो बच्चे को खेलने में अगर इंटरेस्ट है तो खेल में भेजिए, गाने में इंटरेस्ट है तो सिंगर बनाइए। हाँ, पहले ये सब बोला जाता था, अब ऐसा सोच नहीं है लोगों का। अगर जो भी ये बोलते हैं ये बहुत गलत बात है। भैया, अगर कोई एक सॉन्ग हमारे दर्शकों को डेडिकेट करना हो तो आप? नया मेरा एक सॉन्ग आया है, आज ही रिलीज हुआ, वहीं सुनाते हैं, डुएट सॉन्ग है। गाजा या भांग के कोरे में पिया कड़ी, सावन में बेच दिहला सोना कैसी कड़ी, भोला के चेला तो यही सोना होला, बानी तबाह तारा मोती से। तो आपका भाई बोलता है कि बात कही से कोइल जला पति से, तनी सीख माता पर वती से, कुछ ले लगे हो सती से। बहुत क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी आपके भाई साहब ने जैसा बोला कि आपकी जोड़ी है जय बीरू की जोड़ी है, और अक्सर ही आप हर जगह जहाँ भी जाते हैं छा जाते हैं। भैया ने आपको एक ही सब ने कहा था कि वो टाइगर है मेरे लिए, और भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में जहाँ तक जाना चाहता है हम पूरा सपोर्ट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, परिवार का सपोर्ट रहता है, कोई भी इंसान हो, बहुत कम ही लोग होंगे जिनको बिना परिवार के सपोर्ट के वो आगे जाते हैं। लेकिन हमारे साथ एक, मैं बड़ी लक्की अपने आप को मानता हूँ, बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे साथ परिवार का सपोर्ट हमेशा रहा। तो थैंक्स टू हमारे पूरे फैमिली के लोग, हमारे मम्मी हो या पापा हो या हमारे भाई लोग हो या हमारे गांव के जितने लोग हैं, सभी लोगों को धन्यवाद। अगर उन लोगों ने हौसला नहीं दिया होता तो आज मैं यहाँ तक सफ़र नहीं करता, और आगे भी हम लोग ऐसे ही आजीवन काम करते रहेंगे, बस आप लोगों का प्यार मिलता रहे। थैंक यू। भैया, जाते जाते हमारे दर्शकों को कोई एक मैसेज? बस यही कहेंगे कि आप लोग अपना प्यार भोजपुरी के हर कलाकारों को दीजिए, और जो भी अच्छा गाए उन सबको दीजिए। अगर कोई भी आपको गीत बुरा लगे तो उसे सपोर्ट नहीं कीजिए, अच्छा लगे तो उसे जी भर के शेयर कीजिए, हर लोगों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद है छोटे से समय के लिए, क्योंकि शूटिंग सेट लगी थी और भैया अभी बहुत बिजी भी हैं। इन्होंने सीधा सा बताया कि लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए एक चीज़ अपनाइए कि अच्छी चीज़ों का समर्थन करिए और फ्यूचर में ही आगे बढ़ते रहिए। भैया का बहुत सारा प्रोजेक्ट है जो जल्द आने वाला है, और 26 जुलाई को इनका बर्थडे भी है, तो मनचाहा न्यूज़ की तरफ से इनको हैप्पी बर्थडे एडवांस में, और बहुत सारा प्यार मिले, और भैया हमेशा हर किसी को एंटरटेनमेंट करते रहिए। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।